দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর অবশেষে মালদা জেলার প্রাচীন গৌড় এক্সপ্রেসের আধুনিকীকরণ করল ভারতীয় রেল। সোমবার থেকে নতুন কোচ নিয়ে চলবে মালদা শিয়ালদা গৌড় এক্সপ্রেস। এই দিন বিকেলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন এই কোচের উদ্বোধন করেন মালদা ডিভিশনের DRM জিতেন্দ্র কুমার ও ইংরেজবাজার বিধায়িকা শিরূপা মিত্র। এছাড়াও এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলের মালদা ডিভিশনের একাধিক কর্তা আধিকারিকেরা। গৌড় এক্সপ্রেসের দুটি ট্রেনিং মালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকে আধুনিক কোচ ও আধুনিক যাত্রী পরিষেবা চালু করা হলো। এসি সাধারণ সংরক্ষিত থেকে জেনারেল কামরাতেও বায়ো টয়লেট ইলেকট্রিক ব্যবস্থা প্রতি চার্জিং সিস্টেম থেকে অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা বসানো হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে মালদার প্রাচীন গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি দীর্ঘদিন ধরে যাত্রী পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন সাধারণ মানুষ থেকে যাত্রীরা। জনপ্রতিনিধি থেকে যাত্রীরা এই রেলের পরিষেবার আরও উন্নতির জন্য একাধিকবার রেলের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই মোতাবেক রেলের পক্ষ থেকে গৌড় এক্সপ্রেসকে আধুনিক করা হলো। এমনকি ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে আগামী 90 দিনের মধ্যে গৌড় এক্সপ্রেসের সমস্ত কোট উন্নত মানের করা হবে বলে জানিয়েছেন রেল কর্তারা। রঞ্জিত সে রিপোর্ট, NTV WP। गौड़ एक्सप्रेस जो चलता है 315354, उसके जो दो रेक हैं उसमें 22 कोचेज हैं एंड इसका प्राइमरी मेंटेनेंस सियालदा डिवीज़न करता है और राउंड ट्रिप हमारे यहाँ मालदा में होता है। इसमें आप लोगों ने पहले से देखा हो, काफ़ी पुरानी चल रही है, गनी खान चौधरी साहब के टाइम से ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई है, परंतु इसमें जो डिब्बे की कंडीशंस थी, रखरखाव मेंटेनेंस बड़ा पुराना था और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि काफ़ी इतने 2 साल से मैं बहुत सब लोगों को कंप्लेंट था इसमें कंडीशन अच्छी नहीं थी। कलकत्ता जाने के लिए ये मेन ट्रेन है मालदा की, AC फर्स्ट भी है सारा है उसमें, परंतु चद्दर सीट खिड़की टॉयलेट इसका डेली लगभग कंप्लेंट आता था जनप्रतिनिधि और पब्लिक से भी आता था। तो इसका काफ़ी कोशिश किया गया, उधर से LHB कोचेज नए के लिए ऑलरेडी रेलवे बोर्ड में हमारे महाप्रबंधक ने प्रस्ताव दिया है और बाकी सभी लोगों ने किया, बाकी दीदी ने भी काफ़ी एफर्ट किया, उनके एफर्ट थोड़ा रंग लाया, एटलीस्ट GM लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे उसके मैडम के GM से मिलने और उससे एटलीस्ट ये कोचेज जो उनका है प्राइमरी, इसको उन्होंने रिफर्निश करके नए POS जो कोचेज हैं पेंटेड, जितना जो हम लोग अपना रेलवे उसी में मेंटेनेंस अपग्रेड कर सकते थे, आप लोगों ने अभी देखा पूरा हम लोगों ने कर दिया है। और इसके जो टॉयलेट्स प्लस इसमें डिस्पेंसर्स जो नॉर्मल आपका जनरल कोच में भी आपका ये सोप डिस्पेंसर्स और वो सब दिए गए हुए हैं जो कि नहीं होते, प्लस इनका सभी सैनिटाइज करते हैं पूरा, और उसमें वो किया हुआ है पूरा एक नया इंटीरियर दिया हुआ है। और आई थिंक जितना जल्दी मैडम के एफर्ट और बाकी हम लोग रेलवे बोर्ड को तो प्रस्ताव दिया ही हुआ है, जैसे होगा तो इसका LHB का जो कोच है हाई स्पीड वाला वो आ जाएगा। अभी कुछ कोचेज आ रहे हैं तो अलग अलग ट्रेन में, एक आनंद विहार है वो दिल्ली का बेस है हमारे यहाँ पर, अभी अलग अलग ये फर्क का और जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है सब में वो लोग धीरे धीरे देंगे, ये अभी होगा। ये जो नया कोच है कब से चालू होगा? ये वाला तो अभी आज से चालू हुआ, कल से ही पूरा फर्निश होके आया है, मतलब ये आज से आपका जितने भी है जो इस तरह के कोचिंग आपने देखा ये सर्विसेज, तो ये सेम पुराने जो ICF के जो बने हुए कोचेज उनमें ही चालू कर दिए। और नया जो कोच है अभी आधुनिक जो आधुनिक वाला LHB कोच के लिए ऑलरेडी महाप्रबंधक ने दिया हुआ है लेटर रेलवे बोर्ड को, तो जैसे ही वो होता है सेंक्शन तो जल्दी ही आएगा। कितने कोच का सेंक्शन? वो कोच तो यही रहते हैं, पर उसका जो या जो उसका फर्निशिंग राजधानी टाइप के जो आपने कोचेस देखे होंगे, जो एक आनंद विहार में एक लगे हुए थे एक बार पहले आप लोगों ने देखा था, उस तरह के कोच लगेंगे, उनका स्पीड ज़्यादा होता है, उसका सस्पेंशन अच्छा होता है, उसमें धक्का कम लगता है, प्लस वो कम्फर्ट ज़्यादा है, प्लस ये एक्सीडेंट रिलीफ भी है उसमें, कुछ अगर हो जाए तो किनारे पे ही मुड़ता है, पूरा पैसेंजर सेफ रहता है, तो उसका सब मिला के वो जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो वो आ जाएगा तो इसमें एक 4 चांद लग जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा, 4 लगेगा यहाँ? नहीं, मतलब इट विल बी इम्प्रूव फैसिलिटी हो जाएगा, 4 चांद में हिंदी में मतलब कोचेज तो जितने हैं उतने ही रहेंगे उसमें। एंड में आपका उसमें क्या होता है कि नीचे बैटरी नहीं होता, एंड से फीड होता है पावर सप्लाई, तो कोच लाइट होता है, उसमें एक्स्ट्रा सीटें भी एक्स्ट्रा होती हैं, इसमें क्या होता है बैटरी मोटर जनरेशन जैसी है ना सारा वो सब रहता है, तो उसमें नहीं होता, तो उसका पूरा किनारे पावर कार होता है उससे हो जाता है। और अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई जो इंजन से हम लोग बिजली लेते हैं ओवरहेड से और उसी बिजली से फीड करते हैं, इमरजेंसी में जनरेटर चलाते हैं जिससे मतलब पॉल्यूशन कम हो, ग्रीन एनर्जी का हो। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे गौड़ एक्सप्रेस मालदा लाइफ लाइन चालू करें
এবং তখন থেকে এই ট্রেন চলছে, কিন্তু তার কোনো সংস্কার হয়নি। এই ট্রেনের ছিটকিনি ভেঙে পড়তো, দরজা জানলা ভেঙে পড়তো, ইঁদুর ঘুরে বেড়াতো, এরকম একটা অবস্থা ছিল। অনেকেই কমপ্লেন করতেন, কিন্তু সেই কমপ্লেন রেল মন্ত্রকের তরফ থেকে তাকে অ্যাড্রেস করা হতো না। কিন্তু বিগত দিনে লেটার যে হয় মেরা 10/2021 থেকে, মানে অক্টোবরের 15 তারিখ থেকে আমি এটা নিয়ে মুভ করি, এবং সেটা আমাদের ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার কলকাতায়, এছাড়া আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রেল মন্ত্রণালয়ে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে এটা টেক আপ করি, এবং ইমিডিয়েটলি উনি অ্যাসিওর করেছিলেন যে এটাকে চেঞ্জ করা হবে। তো LHB কোচ যেটা আমরা লাগাতে চাই, যেটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রুফ, সেই কোচটার তো একটা প্রোডাকশন টাইম আছে। তো আমি অক্টোবরে এটা পাঠিয়েছিলাম। তো ইমিডিয়েটলি যেটা করা হলো সেটা হচ্ছে এই পুরনো কোচগুলোকে বদলে, রেকগুলো বদলে দুটো নতুন রেক লাগিয়ে দেওয়া হলো, এবং তার মধ্যেও যে ফেসিলিটিগুলো দেওয়া হয়েছে সেটা LHB কোচে যেটা থাকে সেটাই। এবং আগামী, আমাকে চিঠি মানে লিখিতভাবে বলা হয়েছে যে আগামী 90 ডেজের মধ্যে আমরা আশা করছি যে এই গৌড় এক্সপ্রেস কমপ্লিটলি LHB কোচের দ্বারা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে, এবং আজকে থেকে এই কোচ চলবে, এই নতুন রেক চলবে। তাতে অনেকটাই মানে 80% যেটা পাবলিক অ্যামেনিটিস ফেসিলিটি সেটা কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে। তো তার জন্য আমি খুব আনন্দিত, এবং রেল বিভাগকে আমি ধন্যবাদ করছি, এবং মালদার মানুষের জন্য বিধায়ক হিসাবে আমি মনে করি এটাই প্রথম কংক্রিট কাজ। মানুষের পাশে থাকা, মানুষের কাছে থাকা, সেটা তো আমরা সবসময় করি, কিন্তু যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মোদিজির যে সংগ্রাম ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, আমাদের প্রত্যেকটি ব্যবস্থার মধ্যে লজিস্টিক্স এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, সেইটা করার উপর উনি ভীষণভাবে জোর দিয়েছেন। তো এই গৌড় এক্সপ্রেসের যে সংস্কার করা হলো এটাও কিন্তু একটা বিরাট ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, তাতে যাত্রীদের অনেক বেশি সুবিধে হবে। আমি আশা করছি আগামী 90 দিনের মধ্যে আমরা আবার সম্মিলিত হব, এবং আমরা LHB কোচ গৌড় এক্সপ্রেসের সঙ্গে চালাতে পারব। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার, থ্যাংক ইউ।